हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और देखो, वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ कि देखो, अभी मेरा रिसेंटली स्पीति वैली का ट्रिप ख़त्म हुआ है एंड भाई साहब, इट वॉज हेल ऑफ अ राइड। मतलब आई वॉज अमेज्ड, और मैं इतना ज़्यादा वहाँ खो गया था ना कि जब मैं वापस आया तो 15-20 दिन तक मैं मेंटली स्पीति में ही था। सीरियसली यार, मतलब जो जिन लोगों को लगता है ना कि लद्दाख टफ है, एक बार स्पीति होकर आओ। लद्दाख शायद अब स्पीति जितना टफ नहीं रहा, तो चलो खैर वो तो अलग बात है। तो मैंने सोचा कि वहाँ से आने के बाद जो मेरी बाइक की कंडीशन है आपको दिखाई जाए, क्योंकि बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कत आई जो बहुत लोगों को आती है, ऑलमोस्ट सबको ही आती है, क्योंकि यार वो टेरेन ही ऐसा है कि वहाँ पे दिक्कत आनी ही आनी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाया जाए। तो जब मैं यहाँ से गया था तो बाइक की पूरी सर्विस करा कर गया था, बाइक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी, लेकिन आने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ऐसे टेरेन पर जाते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली अगर आपके पास पल्सर NS 200 है। तो चलो बाकी बात आकर करेंगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ, सो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई ये है अपनी बाइक की कंडीशन। आई होप आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट में देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी भरी पड़ी है। और जब मैं वाटर क्रॉसिंग में था तो मेरी इतनी बाइक, कम से कम इंजन तक की बाइक जो है ना, पूरी मिट्टी में चली गई थी। और उसके बाद मनाली से लेकर जब मैं दिल्ली आ रहा था, उसके बाद इतना ख़राब रास्ता था कि पूरे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। अब मैं आपको बता दूँ कि स्पीति के रास्ते में मेरी बाइक में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या मेरी बाइक में प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसका ब्रेक का जो पैडल है, ये देखो ये कितना ज़्यादा अंदर चला गया है। अब ये कोई पत्थर यहाँ से लगा होगा जिसकी वजह से पैडल अंदर चला गया था, और ये जो ब्रेक था ये काम करना भी बंद करने लग गया था, मतलब ब्रेक लग नहीं रहे थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे आया। और उसके अलावा एक चीज़ और थी जो मेन हुई थी इस बाइक का जो, सॉरी गाइज ये पीछे गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है, इस बाइक का जो है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो बाइक नीचे से बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि पत्थर बहुत बड़े बड़े थे। वो शायद आपने वीडियो में देखा होगा, मैं आपको थोड़ी सी क्लिप भी दिखा देता हूँ। तो ये बाइक नीचे से बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से शायद आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ से जो साइलेंसर है, इससे जो पाइप है, ये पाइप अलग हो गया तो बाइक की आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है। और इस बाइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मुझे लगती है, प्रॉब्लम क्या या फिर फॉल्ट बोलो, कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कम है। तो स्पीति और लद्दाख वगैरह के लिए ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ और है, जो मैंने ये लगवाया था, ये बहुत ही घटिया किस्म का था, बहुत ही घटिया यू नो क्वालिटी का था, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो ये मेरी बाइक का जो प्लास्टिक है पूरा दब गया है। तो ये बहुत बेकार है, ये मत लगवाना। अगर आपको लगवाना है तो आप करोल बाग से जाके अच्छी क्वालिटी का लगवा सकते हो। इस तरफ भी देखो, यहाँ पर ये पूरा दब गया है, यहाँ से भी दब गया है। और एक ये पार्ट था जो मेरा लगा हुआ था, ये तो खैर बैक से हट गया था, मेरे पास पड़ा है, मैं लगा लूँगा। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे दिक्कत आई। और दो चीज़ ये थी, एक पैडल, एक ये, तीन चीज़ मुझको दिक्कत आई थी। इसके अलावा मुझे बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई है। बाइक ने एक नंबर परफॉर्म किया था इसके टायर वगैरह में, टच वुड। ये जो मैंने टायर डलवाया था ये 400 रुपीज़ का डलवाया था। लोग बोलते थे ये कट गुड्डी कटा टायर है, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, लोगों को तो पता नहीं क्या क्या बोलना होता है। तो लोगों ने बहुत बोला कि ये गुड्डी कटा टायर है, लेकिन स्पीति जैसी जगह पर इस टायर ने बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की और एक ही पंचर नहीं हुआ, और ये मैंने नया डलवाया था। तो ये सब चीज़ें थी, ऐसी बाइक की असली जो टेस्ट होता है ना वो स्पीति और लद्दाख जैसी जगह में ही जाकर होता है। बाकी अब बाइक देख लो, जब से मैं आया हूँ कितनी गंदी हो रही है। जब से मैं आया हूँ मैंने अभी तक वॉश नहीं कराई है, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी थी कि मेरी बाइक की क्या कंडीशन है। इसके अलावा एक दिक्कत और थी, मैं मोटुल का चेन क्लीनर मैंने लिया था, लेकिन वो ले जाना भूल गया था, तो मैंने एक बार भी चेन लूब नहीं की। तो चेन देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, ये मुझे साफ़ करानी है। उसके अलावा मिट्टी बाइक में जमी पड़ी है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो साइलेंसर आपको दिख रहा होगा, ये देखो कि पाइप जो है थोड़ा हट गया है, क्योंकि जब यहाँ से लगा तो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी 2-3 बार,
और ये हट गया था। मैं आपको इसकी बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, शायद आपको आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड, आप इसकी आवाज सुनो। तो बाइक की आवाज बहुत ज्यादा मोटी हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे बुलेट हो। तो ये प्रॉब्लम मेरे को आई है, अब इसको मैं सही कराऊंगा। और गंदी देखो कितनी ज्यादा हो रही है, ये मिट्टी थी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई कि इसका जो फिल्टर होता है ना, वो टैंक के नीचे होता है। तो जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और अगर आपके इंजन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाइक झटके लेने लग जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे खांस रही हो। तो ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी। ये प्रॉब्लम मुझे पता था कि आएगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की वीडियोज़ देखी है। लद्दाख में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा लैग करती है, और वो इस बाइक में ही है क्योंकि इसका फ़िल्टर नीचे है और इसका फ़िल्टर निकालना तक भी मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम आई थी। बट देन जो जितना मैंने सामान बांधा हुआ था और पिलियन के साथ ढलान पे चढ़ नहीं रही थी, और ढलान पे पहले गियर में ही चल रही थी, तो बस ये एक और प्रॉब्लम थी जो मुझे लगी इसके अंदर। तो बाकी मैंने सोचा आपको ये बता देता हूँ। तो बस यही कंडीशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ से चलते हैं घर पर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, एक बार आपको और दिखा देता हूँ बाइक। ये अपनी बाइक है, इसके अंदर ये जो है ये मैं चेंज करके जो स्टॉक आता है वही लगा लूँगा, क्योंकि ये कोई बेकार है, ये घटिया, बिल्कुल घटिया कंपनी का है बस। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं और घर पे मिलते हैं। तो आई होप कि आपको बाइक की कंडीशन समझ आ गई होगी कि हम लोग किस टेरेन पर होकर आए हैं। और सीरियसली यार, मतलब जो वो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और बाकी मैंने सोचा है कि अपनी एक पूरे एक्सपीरियंस की एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ से वहाँ तक जाने में हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी, कितना हमारा खर्चा हुआ, और बाकी जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ बाइक की कंडीशन के ऊपर होने वाली थी, और आपको समझ आ गया होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले से कर सकते हो, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम शायद ना फेस करनी पड़े। तो वही चीज़ें मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में आपको बाइक की कंडीशन देख के समझ आ गया होगा कि बाइक क्या क्या दिक्कतें आपको दे सकती है, और किस तरह की बाइक। वैसे तो देखो वहाँ पर हर बाइक चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेशल बाइक जाएगी या फिर हिमालय नहीं जाएगी या फिर रॉयल एनफील्ड जाएगी, सारी बाइक जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइड, ये सब आपकी राइडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। मैं भी एक एक्सपीरियंस राइडर नहीं था, बट देन बाइक मैंने बहुत चलाई है, ऐसे टेरेन पर पहली बार चलाई, बट सीरियसली मज़ा आ गया। तो ये वाली वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है मेरे चैनल पे, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो वो क्या होगी वो तो आपको जल्दी पता चली जाएगा। तो चलो अब निकलते हैं, और अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ से निकलेंगे और सीधा आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।